मेरे तरफ से थैंक यू सो मच यू आर वेरी मच। निकल रहे हैं मंदिर के लिए, तो आज हम लोग मंदिर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो मंदिर पिछले बार नहीं जा पाए थे वो मंदिर इस बार जाए और साथ में कुछ दाना पानी चलेगा वहां पर। चलते हैं जी। जी हम लोग हैं अभी रास्ते में और पूर्णिया जो है कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे और बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ खाई नहीं है। नजारा तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का पानी यहाँ जो जमा हुआ है भले ये बाहर का पानी है लेकिन एक व्यू दे दिया अच्छा जैसा। क्या हुआ, कान में लगा के देख लो। नहीं है, नहीं है मेरे पास। फाइनली डोमिनोज के पास पहुंच गए हैं और अब अंदर चलते हैं, पेट पूजा करते हैं। और रास्ता इतना खराब था उसकी उबर खबर से पेट का चूहा और कूदने लगा है पेट का, तो चलते हैं अंदर। जी अभी हम लोग पूरन देवी के मंदिर आए हैं। जी आपके जन्मदिन में भी आए थे और फिर आए हैं माता का आशीर्वाद लेने और माता ने आशीर्वाद दिया तो लगातार आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे उनके पास। तो अंदर चलकर माता का दर्शन करते हैं। जी हम लोग अभी काली मंदिर आए हुए हैं और आसपास का मैं नज़ारा दिखाता हूँ, इतना जबरदस्त नज़ारा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। यहाँ देखिए, यहाँ जो आपको शेड दिख रहा है इस शेड के नीचे सीढ़ी था, उसके आगे भी थोड़ा स्पेस था और उसके आगे भी थोड़ा स्पेस था लेकिन अब यह पूरा डूब चुका है। और वो देखिए आप गेट, ये जो गेट है ना वो मेन गेट था अंदर आने का और वो भी डूब चुका है। पानी कितना तेज तेज है, धार जो है बहुत तेज है। और यहाँ देखिए जी आगे किनारे आकर के अपना पैर धो रही है, हम भी धो लेते हैं, रुक जा, ठीक से फिसल मत जाना यहाँ से, आपका जींस है डूब जाएगा, देखना मोबाइल नहीं गिर जाए। और दिखाते हैं तुमको ये, वो जो पुल दिख रही है उस साइड, ये व्हाइट कलर का पुल, इसी पर से ट्रेन जाती है। अच्छा। तो हम लोग जब कटिहार से बनवनखी जाते हैं तो इसी रास्ते होकर। अच्छा।
तो वहाँ से ये मंदिर हम लोग देखा करते थे, ये पुल देखा करते थे। हम एक बार आए हैं मतलब 5 साल पहले। अच्छा, और सोचा करते थे कि कभी जो है यहाँ पर आएंगे हम लोग। अच्छा, और देखो आज आ गए हैं। जी अभी हम लोग मंदिर के आगे बैठे हुए हैं और यहाँ पर तो शांति मिल रही है, पूछिए मत, इतना सुकून मिल रहा है। यहाँ का नज़ारा देखिए ना, बगल में ही पानी, इधर मंदिर, कसब सुकून है यहाँ पर। लेकिन जी मन तो करता है यहीं पर बैठे रहे, लेकिन समय भी हो रहा है तो घर भी जाना है अब, और अंधेरा भी हो जाएगा तो निकलते हैं। और घर में भी कुछ प्लान कर रखा है जिया ने, उसके लिए भी कुछ खरीदारी करनी है जिया को। वैसे कुछ खरीदारी करी थी पहले, लेकिन अभी भी कुछ खरीदारी इसकी बची हुई है। अब घर चलते हैं। A few moments later, अभी हम लोग घर आए हुए हैं और यहाँ पर मेरे साले साहब है, एक का नाम है गोलू, एक का नाम है मोलू। ने हमारा रक्षाबंधन वाला ब्लॉग देखा होगा, उसमें देखा होगा इन दोनों को। तो अभी आए हैं और आगे बर्थडे की तैयारी करते हैं। अब तुम लोग जल्दी जल्दी खाओ और बताओ कैसा लगा। क्या बोल रहा था? मारो मिठान का वीडियो देखा था। हाँ। बोला था खूब पूरी सब्जी खाता है जिया जी के यहाँ। इधर हम खाना इतना टेस्टी टेस्टी लगाएं और पतिदेव उधर क्या कर रहे हो जी? एक काम में जो लगाई है, तुम्हारे एडिटर को भूल गई। एडिटिंग के काम में लग रहा है। ठीक है, जल्दी से आप ट्रांसफर करो। कैमरामैन एडिटर। ये है बूंदी का रायता और ये है मटर पनीर और ये है क्या है चना, ये मटर पनीर है और ये है चना दाल का तड़का और सलाद, ये इमली की चटनी, पूरी, ये भिंडी का भुजिया और ये क्या है जी, ये क्या लेके आए हो आप? फलूदा। फलूदा रबड़ी फलूदा ठिकाना ना है, बांट लो ना तो ये लोग क्या करेगा, जो अच्छा लगेगा ना सब खा लेगा।
कैसा लगा आपको खाना, जल्दी से बताओ आप। बहुत अच्छा, तड़का सबसे ज्यादा खुश लग रहा है। हाँ, डैडी भी बोल रहे थे आज पनीर तुम्हारा फेल है तड़का के सामने। चटनी भी इस पर तो ध्यान ही नहीं दिए मुझे क्या चटनी। वाह, तुम बताओ रे मुलवा कैसा बना। इतना टेस्टी बना है, बोलने का समय नहीं। तुम बताओ। बाकी सब फर्स्ट क्लास मेरा दोनों भाई जो है एक घंटा में बनाए हैं। एक घंटे में क्या बोला? सही में अच्छा बना है कि नहीं, झूठे तुम लोग बोल रहे हो। डैडी बोले कि आज हम बोले कैसा लग रहा है डैडी खाना, तो बोलते हैं एकदम रेस्टोरेंट वाला फीलिंग आ रहा है। तब सब चीज ए टू जेड, तुमको जो फोन किए हम उस टाइम चेंज कर रहे थे और उसके बाद फटाक से लगे नहा के।